दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। बिहार स्टोरी के बाजार ब्लॉग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पटना स्थित एक और बाज़ार की जानकारी। दोस्तों अगर आप पटना के अतीत के पन्नों को खंगालेंगे तो बहुत सारे ऐसे बाज़ार मिल जाएंगे आपको जिनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है, और इन्हीं बाज़ारों में से एक नाम चितकोरा बाज़ार का भी आता है, और जहाँ मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ। एक समय ऐसा भी था दोस्त कि इस बाज़ार की तूती पूरे बिहार में बोलती थी। बिहार के कोने कोने से व्यापारी आते थे यहाँ पर सामानों का खरीद बिक्री करने के लिए। तो चलिए आपको भी सैर कराते हैं चितकोरा बाज़ार का। वैसे तो दोस्तों ये साप्ताहिक मंडी है, और आपको बता दें पटना का एक इकलौता साप्ताहिक मंडी है जो सप्ताह में दो दिन लगता है, बृहस्पतिवार और रविवार। मार्केट डे के दिन कुछ अस्थायी दुकानों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अभी हम मार्केट में हैं, आपको चावल मंडी में है, अनाज मंडी में है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं अस्थाई दुकान है, अस्थाई दुकान भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ अस्थाई दुकानें भी हैं। ये कौन सा चावल है? मंसूरी चावल है। ये मंसूरी चावल है। ये मंसूरी चावल यहाँ पर कैसे बिक रहा है? 2700 रुपये। तो ये मंसूरी चावल आता कहाँ से है? ये वर्धमान से आता है। अच्छा, ये वर्धमान का, बिहार का नहीं है? बिहार का ये चावल है। अच्छा, ये बिहार का, ये कौन सा है? ये सुपर चावल। ये सुपर है। ये सुपर का यहाँ पर क्या रेट है? ये आप 2900 का है। ये 2900 रुपये किलो है, 2900 रुपये कुंटल। अच्छा अच्छा, 2900 रुपये किलो है। और चूँकि हालांकि ये फ्रेश नहीं है, ये देहाती चावल हो गया। ये देहाती चावल है, ये राइस मिल वाला जो है ना, ये पॉलिश वाला चावल नहीं है, ये अखरा चावल है, विदाउट पॉलिश है। हालांकि खाने में भी अच्छा, देखने में भले ये ख़राब लगे लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा होता है ये। ये बासमती है। ये कैसे यहाँ पर है? 72 रुपये किलो है थोक में, यानी लूज में 75 रुपये। बोना पर अगर लेंगे तो 72 रुपये किलो पड़ेगा, है ना? ये नया है या पुराना है? नया है। तो नया तो मान लें कि खीर के लिए है, खीर के लिए। अगर बिरयानी या पुलाव बनाना है उसके लिए पुराने की जरूरत पड़ेगी। तो पुराना कैसे है ये आपका? पुराना आपको कम से कम 80 रुपये आएगा। पुराना 80 रुपये किलो यहाँ पड़ेगा ना? ये 85 रुपये किलो है, यानी कि यहाँ पर ये रहर दाल 85 रुपये किलो मिल रहा है आपका। 40 दे दियो। और ये कौन सा है? ये रहर दाल ही है ना? रहर है, लोकल रहर। अच्छा, ये लोकल रहर है। तो लोकल रहर कैसे है यहाँ पर? 75-75 रुपये के जी। 75 रुपये किलो ये आपके लोकल जो रहर है, ये हल्का हल्का छिलका लगा हुआ मिलेगा, ये 75 रुपये किलो यहाँ पर आप लीजिएगा। चना दाल, चना दाल कैसे है? 60 रुपये किलो है। ये 60 रुपये किलो आपका ये चना दाल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये बिरयानी वाला चावल कैसे आप दे रहे हैं अभी? बिरयानी वाला चावल कम, एक है देहरादून का है 68 रुपये किलो, और एक नफीस है 70 रुपये किलो। थोड़ा सा दिखाइएगा, पैकेट वाला है कि खुला है? वो लूज में है। लूज में है, थोड़ा सा दिखाइए ना थोड़ा सा किलो है। अच्छा, ये कौन सा है? ये देहरादून कतरनी है। अच्छा, देहरादून कतरनी है। ये 68 रुपये किलो यहाँ पर है। कितने साल पुराना है ये? इसी साल का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, इसी साल का है, 2020 वाला। 2020 का में निकलता है ना। तो बिरयानी तो इसका बनेगा नहीं? नहीं, गीला नहीं होगा, तो 6 महीना हो गया है ना। जी जी, ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये 68 रुपये देहरादून आपको यहाँ पर मिलेगा। बिरयानी के लिए बहुत ही बढ़िया चावल है। इसी का एक आता है नफीस ब्रांड करके। हाँ, नफीस का आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मार्केट है दोस्त बिल्कुल ही व्यवस्थित है, एक जगह सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग कतार है। जैसे यहाँ चावल मंडी है या अनाज मंडी, यहाँ पर जो हम खड़ा हुए हैं अनाज मंडी है। फिर आप होते स्टेपल में आपका यहाँ पर मसाला मिल जाएगा, लेकिन मसाला मंडी जो है थोड़ा सा आगे आगे जाकर के दाहिने मिलेगा। वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है, क्या रेट है, कौन कौन से मसाले बिक रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी है, और अगल बगल पूजा की सामग्री का दुकान भी है, बहुत बड़ा है, 4-5 दुकान, बड़े बड़े दुकान है यहाँ पर आपके। ये दुकान इधर देखिए, ये कतार जो है पूजा सामग्री की दुकान की कतार है, और यहाँ पर पूजा की जो भी सामग्रियाँ हैं A to Z यहाँ पर आप ले सकते हैं। गुड़ जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, गुड़ का मंडी भी है, जो दुकान है यहाँ पर गुड़ का, जो देहाती गुड़ है या कहीं से भी हो। ये कैसे भी है आपका ये भेली वाला गुड़? 44 कैसे है? 44 रुपये किलो आपका ये है। ये कहाँ का है भैया? उत्तर प्रदेश, यानी कि ये गुड़ जो है उत्तर प्रदेश का है, और 44 रुपये किलो इस मार्केट में मिल रहा है। हल्दी कैसे है आपका? हल्दी 110 है, 120 है, दो तरह का क्वालिटी है। जो राउंड वाला, जो छोटा वाला हल्दी था दिखाइए तो बोला। हाँ, ये कैसे है? ये देहाती है,
समस्तीपुर का। अच्छा, ये देहाती हल्दी है, यहाँ पर 120 रुपये किलो है। ये धनिया कैसे है आपके यहाँ के? धनिया 100 रुपये किलो है, 90 रुपये। अच्छा, दो क्वालिटी का धनिया भी है यहाँ पर, आपको 100 रुपये और 90 रुपये किलो। अच्छा, ये पिसाई कैसे लेते हैं आप? मार्चा का 30 रुपये किलो है, हल्दी धनिया 30 रुपये। जीरा कैसे है यहाँ पर? 240 है, 220 है, 260। यानी कि तीन क्वालिटी का है, 240 240 है, 220 है, 260 है, और उससे लो में आइएगा तो 200 का भी है, मगर वो हम लोग नहीं बेचते। काली मिर्च कैसे हैं जी सर? काली मिर्च, काली मिर्च साढ़े, काली मिर्च जी आपका 450 से लेकर 500 तक है। दोस्तों, भले चितकोरा बाज़ार की रंगत बदलते समय ने बिल्कुल बदल डाली है, लेकिन आज भी आपको बहुत सारे ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जो लगभग 100 साल पुरानी हैं, और उनके पूर्वजों ने ये दुकान खोला था, और आज उनके दूसरी या तीसरी पीढ़ी इसको चला रही है। तो ये तो मसाला मंडी हुआ, और बस यहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पे सब्ज़ी मंडी भी है और मछली बाज़ार और चिकन और मटन का भी बाज़ार, जो एक ही में सारा कुछ है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिख रहा है बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें जो शादी विवाह वगैरह में काम आती है, जैसे चौका हो गया, मौड़ी हो गया, टोकरी हो गया, या झाड़ू हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ही मटका वगैरह भी है, हाथी वगैरह भी है। तो चलिए इनसे भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रेट में मिल रहा है। रंगीन टोकरी हो गया ये। अच्छा, सजावट की टोकरी है ये। ये कैसे है यहाँ पर ना? ये 10 केजी वाला है, इसमें फल उल जाने के लिए, इसका रेट 110 रुपया पड़ता है एक का जी। ये लगभग सब एक ही तरह का है या? नहीं नहीं, ये 5 केजी का है, ये 2.5 केजी है, फिर 1 केजी वाला है, ये कंटेनर हो गया, मतलब एक टाइप से इससे ही फल फूट जाता है। और ये देख रहे हैं कुछ, ये हाथी वगैरह का जो ये शादी विवाह का ही है। हाँ, शादी विवाह का जी है। तो ये लड़के के शादी में जाता है। अच्छा, नकाब पहनाइए, हमको उस दिन नकाब पहना लिए थे, कौन फोटो लीजिएगा तो नकाब। तो ये मौड़ी वगैरह जी शादी में ही, लड़के के शादी में जाता है। कितने का है वो? देखिए, जो दाम है 7 मोड़ वाला है ना, इसका 650 रुपया दाम पड़ता है। यानी कि 500 से लेकर के कितना तक? 450 मिनिमम और मैक्सिमम बता दीजिए। मिनिमम 450, आप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 3000 रुपये तक, तो मैक्सिमम कम से कम 60 रुपया उसके, मतलब 110 लास्ट। यानी कि मिनिमम 60 रुपया का टोकरी है और मैक्सिमम 110 रुपया का जी। ये सजावट में सिंदूरा की अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम बता दीजिए। 150 से लेकर के 800 रुपये तक। यानी कि सिंदूरा मिनिमम 150 रुपया और मैक्सिमम 800 रुपया। हर तरह का यहाँ पर है, जैसा रेट है, जैसा आप यहाँ पर पसंद करेंगे उस हिसाब से यहाँ इसका रेट भी है। यानी कि 40 रुपये से लेकर 550 रुपये तक का ये पगड़ी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चितकोड़ा बाज़ार आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा चितकोड़ा गोलम्बर, जो हमारे ठीक पीछे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ आने के लिए या तो आप पटना से आना चाहते हैं, पटना जंक्शन से आना चाहते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको ऑटो मिल जाएगी, और अगर फुलवारी शरीफ से आना चाहते हैं तो वहाँ से ये रास्ता ही फुलवारी शरीफ को जाती है। अगर आप बोरिंग रोड के एरिया से आना चाहते हैं तो सचिवालय होते हुए, बेली रोड भाया इको पार्क होते हुए सीधे आप इस पुल पर चढ़िएगा और यहाँ से आप आ सकते हैं। पहले ये जो रास्ता था ठीक गोलम्बर के सामने से हुआ करती थी, लेकिन ये भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो या तो कंस्ट्रक्शन का जो बाउंड्री है उसके दाहिने या तो बाएं तरफ से आप मार्केट में आप जा सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता गया है और यही रास्ता सीधे मार्केट में, चितकोड़ा मार्केट में जाती है। इसके कॉर्नर पर एक सुधा बूथ भी है और ये सीधे रास्ता आपको चला जाता है चितकोड़ा बाज़ार को। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये मार्केट है आपका चितकोड़ा बाज़ार। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो जिनके पूर्वज खोले थे और उनके दूसरी या तीसरी पीढ़ी यहाँ पर जो है ना उस दुकान को चला रही है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर कचरी और घुगनी के दुकान पर हम जब आए हैं तो पता चला कि ये जो दुकान खोले थे उनकी ये तीसरी पीढ़ी है। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, ये कितने साल पुरानी दुकान है? 70-80 साल हो ही गया होगा। यानी कि 80 साल पुरानी ये दुकान है, यानी कि आपके परदादा लोग, दादाजी आने तो नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा, तो वो खोल कर गए हैं, लेकिन उनकी जो विरासत है उनको आप संभाल कर। इस वक्त चितकोड़ा के हम सब्जी मार्केट में खड़े हैं, देखिए हमारे चारों तरफ देखिए सिर्फ सब्जी ही सब्जी नज़र आ रही है आपको। तो कैसे अब बिक रहे हैं आपके यहाँ लोग कद्दू? 15 रुपये का एक पीस है। अच्छा अच्छा, और ये आगे वाला कितने का है? 12 रुपये। ये 12 रुपये का है। भिंडी कैसे है बाबू आपके यहाँ? 10 रुपये किलो। कैसे भैया प्याज आपका? बोलिए।
20 का डेढ़ किलो। पसेरी कैसे है? 70। और तीनों प्याज एक ही तरह का है? छोटा वाला कैसे है? 50। ये वाला 70 रुपया है। अच्छा ठीक है, तो आलू का देख लेते हैं। आलू कैसे है अभी आपके यहाँ? आलू कैसे है? आलू है 24 रुपये। 5 किलो बोल दीजिए। और ये लाल वाला? 130। यानी कि सफ़ेद वाला 120 और लाल वाला 130 रुपये किलो। और ये प्याज जो है दो क्वालिटी का है, दो कैसे कैसे है? 20 रुपये किलो है, 80 रुपये का 5 किलो। 80 रुपये 5 किलो दोनों है। बहुत कचरा है, उसमें भी पानी, बारिश हुई है, बरसात का मौसम है तो सुबह में कुछ बारिश हुई है, इस कारण से थोड़ा सा ये पानी जम गया है, हल्का हल्का लग रहा है। जब से पैदल लिए हैं तभी से देख रहे हैं कि चिटकोरा बाज़ार लग रहा है। ये तो बहुत भारी नामी बाज़ार था चिटकोरा, पहले बैल का बाज़ार लगता था, अब तो सब भी यहाँ सासाराम के लोग आते थे इस मंडी में। तुझे पहले बैलगाड़ी चलता था ना, तो रात रात भर बैलगाड़ी नहीं रहती हैं। तो एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर नज़र आया हमको, वो है पानी फल, जो कि तार के पेड़ का जो फल होता है। तो इसी सीजन, ये सीजन है बहुत ही कम से मुश्किल से एक महीना का सीजन ये होता है, उसी में तैयार होता है। जब एक आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कैसे है आपका ये? अच्छा, यानी कि 10 रुपये का 3 देते हैं ना? 10 रुपये का 3 है सर। अच्छा ठीक है, तो 3 लाइए, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। बहुत दिन हो गया हमको भी खाए हुए। क्या बोलें सर, सरकार गरीब पर ध्यान है, बेरोजगार हम रहते थे बाहर, या कोई रोजगार हमको नहीं मिल रहा है, कैसे करके रोजी रोटी चल रहा है गरीब का। सरकार गरीब पर कुछ, बेरोजगार के कुछ रोजगार दीजिए। अच्छा, इस पर भी पाबंदी है क्या? हैं, इस पर पाबंदी नहीं ना है? इस पर अभी पाबंदी नहीं है। अच्छा, ताड़ी पर पाबंदी हो गया ना? ताड़ी पर पाबंदी है, इधर कमा नहीं सकते हैं, वो अपना देश में रहिएगा, इधर कंपनी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, 4 बच्चा है। पानी फल है, काफ़ी मीठा लगता है। अरे हम लोग सब दिन रहते थे बाहर, सीजन ही मुश्किल से 10 से 15 दिन ये रहता है, उसके बाद ये कड़ा हो जाता है, कड़ा होता है फिर अब खाने का कोई काम नहीं आता है। लगभग कितने दिन ये रहता है सीजन इसका? इसका 15 से 20 दिन रहता है सर सीजन इसका, मात्र 15 से 20 दिन तक ही मौजूद रहता है, उसके बाद ये कड़ा हो जाता है। जब कड़ा हो जाता है तो ये किसी काम का नहीं है, अब ये पकने के बाद ही ये काम में आएगा। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो मिस ना करें, अगर कहीं भी मिल जाए तो वहाँ से ले लें, और नहीं तो अगर चिटकोरा बाज़ार आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आकर पानी फल ज़रूर खाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर नया वीडियो कोई भी हम लाएँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।